दोस्तों, हाल ही में एटोमी इंडिया के बिजनेस प्लान में पॉइंट्स को लेकर कुछ अपडेट्स आया था। ये अपडेट्स आने के बाद एटोमी इंडिया के मेंबर्स अपने लीडरों को तरह तरह का सवाल कर रहे हैं। ये सवालों में से दो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका जवाब कंपनी ने खुद दिया है। ये जवाब कंपनी ने नोटिफिकेशन के जरिए दिया है। आप एटोमी इंडिया वेबसाइट पर जाके भी इसको देख सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पब्लिश हुआ है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भाषा सही से समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए और अपने हर टीम मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन राउत स्वागत करता हूँ आपका चैनल ऑनलाइन बापू में। दोस्तों, अगर आप अभी तक एटोमी के साथ नहीं जुड़े हैं तो तुरंत एक अच्छे लीडर के साथ जुड़ जाइए। अगर आप पहले से जुड़े हुए थे तो तुरंत माइग्रेशन प्रक्रिया को पूरा कीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो, और अपने हर टीम मेंबर का माइग्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने में उनको मदद करें। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, कोई अच्छा लीडर नहीं मिल रहा है तो आप हमें ज्वाइन करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोनों सवाल का जवाब क्या है। सबसे पहले जानते हैं वो दोनों सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल, क्या एटोमी इंडिया कंपेंसेशन प्लान में कोई बदलाव हुए हैं? दूसरा सवाल यह है, ₹260/2 स्कोर का चयन किस मापदंड के आधार पर किया गया है और इससे कितने समय के लिए तय किया गया है? तो सबसे पहले पहला सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल था, क्या एटोमी इंडिया कंपेंसेशन प्लान में कोई बदलाव हुए हैं? इसका उत्तर यह है, भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एटोमी इंडिया के डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट, कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स और कंपेंसेशन प्लान की समीक्षा की है। उसके बाद हमने इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कंपेंसेशन प्लान को संशोधित करके इसमें बदलाव किए हैं। लेकिन कंपेंसेशन प्लान के मूल और बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरा सवाल का जवाब यह है, एटोमी का हेडक्वार्टर दक्षिण कोरिया में स्थित है और इसलिए सभी गणना पहले कोरियन वन में की जाती है, जिसके बाद प्रत्येक सहायक सब्सिडरी अन्य देशों की करेंसी के आधार पर अपनी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित करता है। भारत के लिए स्कोर का मूल्य भी कोरिया के औसत स्कोर मूल्य से निर्धारित किया गया है। अगली सूचना तक स्कोर का मूल्य तय कर दिया गया है। यदि भविष्य में कोई बदलाव होते हैं तो भारत के डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर्स या मेंबर्स को पहले से सूचित किया जाएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप एटोमी इंडिया का ऑफिस को कॉल भी कर सकते हैं। एटोमी इंडिया का कस्टमर केयर का नंबर है 01246472882 या फिर आप हमें ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं care@atomy.kr। अगर आपको अभी तक नहीं पता है एटोमी इंडिया का कंपेंसेशन प्लान में क्या बदलाव हुआ है तो आप अपने ऑफलाइन को संपर्क जरूर करें और इस वीडियो को हर एटोमियंस तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है तो तुरंत कर लीजिए।